हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एलेक्रिटिक। तो आज हम सुनने वाले हैं द मोस्ट सब्सक्राइब रैपर ऑफ इंडिया एनीवे, जिसका म्यूजिक मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है। मैंने उसको डिफेंस टाइम पे सुना था और मैंने सुना था उसका मचाएंगे, तो तब उसका लिरिकली उतना उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं था और उसका थ्रो अच्छा है, क्रेजी हुक्स बनाता है। और तो आप देखते हैं शायद इम्प्रूव हो गया उसका लिरिकल गेम। तो मैंने सुना है कहीं से, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि उसका लिरिकल गेम थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, तो और उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट करा था गाना लड़का अलग सा, तो आज हम उसको सुनने वाले हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब सुनते हैं लड़का अलग सा। तो हेडफोन्स प्लग्ड इन, सो लेट्स गो। क्रेजी बीट, फ्लैम बॉय, लोकेशन एनीवे का कैमरा प्रेजेंस तो वन ऑफ द बेस्ट है भाई, बिल्कुल फुल फील में देख लो, कपड़े भी बढ़िया से, बाल खोले, कैप उल्टी पहनी, बिल्कुल बढ़िया। नक्शा ये गाना जिस दिन ड्रॉप, उस दिन परीक्षा है, मेरा सुरक्षा है 2400 घंटा, साथ में फरिश्ता है, हाँ मेरा रिश्ता। सही बोला जिसने बोला कि उसका इम्प्रूव कर रहा है वो लिरिकलिटी और टेक्निकलिटीज। देख लो लड़का अलग सा है, बोलेगा ऐसे ऐसे बिल्कुल, और राइम्स भी इतनी अच्छी, तो आप फोकस करते आ जाओ, देख रहा राइम्स। हाँ लड़का अलग सा ये बदलेगा नक्शा ये गाना जिस दिन ड्रॉप, उस दिन परीक्षा है, मेरा सुरक्षा है, जो भी बोला है कि लड़का अलग से बदले का नक्शा, गाना जिस दिन ड्रॉप उस दिन परीक्षा। जब तुम गाना ड्रॉप करते हो तो तुम्हें वेट होता है ना कि गाने का रिजल्ट कैसा आएगा, तो उस दिन बोल ये वही फील में बोल रहा है कि गाना ड्रॉप उस दिन परीक्षा है मेरा। देख रहे हो राइम्स अच्छी कर रहा है भाई, अच्छी कर रहा है। और देखो वो जो फ्लो स्विच हुआ वो कितने स्मूथ हुआ, ये टिप्स देना चाहूंगा कि स्मूथ। देख रहा हूँ ऐसे 2400 घंटा, साथ में फरिश्ता है, हाँ मेरा रिश्ता है, गहरा कुदरत से, ये देख रहा हूँ वो जो गहरा शब्द में चेंज कर दिया सब, कुदरत से हकी कमाई, कुल रखते कुछ चलते, गुड रखते बंद कर दे गुड वक्त के। हाँ सिख हकी कमाई खुद रखते, चलते हम अच्छा बोला हक की कमाई हम खुद रखते हैं, और कुछ लोग चलते हैं गुड लक पे, लेकिन हम हक से लेते हैं, जो लेते हैं कोई लक वक नहीं है हमारा, मेहनत करते हैं लेते हैं। गलत बंदा मतलब गलत बंदा, आके है फिर भी क्यों अंधा, दुनिया को क्यों कर रहा गंदा, पड़ेगा डंडा लगेगा फंदा, तब जाके समझेगा तेरे को कितना तू मन था, चल वे मेरे को घंटा फर्क है किसी से, ये लाइने छापे से टूपा और बीगी से, नकली लोगों से पहुंचा देगा रेके से मैसेज, किसी के लिए लिया है, बोला कि ये नकली लोग लाइंस छापे बिगी और टूपाक से। हाँ लोग करते हैं ना कि उनकी लाइंस छोड़ करके और फिर हिंदी में कन्वर्ट करके गा देते हैं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, ये ओपन है ना कि ऐसा किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, और फिर किसी रेफरेंस दिया है WWE में किसी था जो ऐसे, वो मूव भी ऐसे उसको फिनिशर था ना कि वो कोने में जाके बम मारता था उसके मुँह में, तो वही वो एक्टिंग भी ऐसी कर रहा है। और बाकी सब ETC मतलब एक्सेट्रा, तो देखो शब्दों का अच्छा यूज करा है और इसकी आवाज कितनी क्लियर आ रही है। मिक्स मास्टर कैसे करा है, मिक्स मास्टर भी यही करता है, मिक्स मास्टर ओपी जो सैंपल खुशी तो करे ले अपन की चिल्लाएंगे, वीडियो भी मस्त, वीडियो एमवी की अच्छी होती है वो तो है। अरे माँ मोबाइल बंद, हाँ गुस्सा आ रहा है इतना। ओके मैं जी रहा हूँ मर्जी से, सिला ले दर्जी से। वो कितना बढ़िया बीट है उसने, मतलब बिल्कुल बीट पे लिखा है, जैसे वो जो बीट प्रोड्यूसर का वो जो आया टैग और फिर उसमें वो उसने पूरा बैठा दिया, बिल्कुल ये होती है ये
ऐसे इंप्रूव ऐसे करते हैं भाई सारा इतना ओके मैं जी रहा हूँ मर्जी से सिला ले दर्जी से बेटे की चट्टी फटेली है मैं निकले ला बेटा यहाँ खुद के दम पे हाँ इसलिए तो मेरी पटेली है बिना इंडस्ट्री में घुसे हम खेली है ना बना चेहरा ना रखा कोई चीनी में गाने तो बदले ले हर जगह हर दिन मुद्दे तो बन रहे डेली है खेल हम जो खेले तुम खेली है बोला कि मैं इंडस्ट्री में आया हूँ बिना कहने से और मुद्दे मेरे डेली बन रहे हैं और मैं इंडिपेंडेंट हूँ ये बोलते रहता है एमवे और इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है और लेवल पे होना भी कोई बुरी बात नहीं है अपनी अपनी चॉइस है इसलिए तो मेरी पटेली है बिना इंडस्ट्री में बोला है मेरी तभी तो पटेली है खुद से कर रहा हूँ ना हाँ फिर इंडिपेंडेंट का ये फायदा होता है कहते हैं झूलम मैम के लिए जो जमाने की तकलीफें मैंने भी झेली है मैंने भी सारी चीज़ें करी है तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ पहले बेलन और फिर बोला चपाटी हर के चपाती और फिर बेलन अदर रेफरेंस नाइस ये पहले बेलन यूज़ करा उसके अगले लाइन में चपाती हेटर है बेलन माल के बेल दिए चपाती ये सब हेटर बेलन देख रहा हूँ जिसके लिए भी है लेकिन हाँ बोला कि मैं इसमें बटिस्टा बॉम्ब इसका गाना भी था किसी ने बताया था मेरे को तो बटिस्टा बॉम्ब इसका गाना है और उसमें बोला ये बोला कि अपन बटिस्टा बॉम्ब देते कहते हैं बटिस्टा बॉम्ब देते हैं जा जाके अंडरटेकर को और किस कोई भी अंडरटेकर मान लो जिसको मानना है कम से गाड़ी चलेगी ये नहीं चाहिए पहिए दुनिया में भरे ले काफी चपहिए चल बे पपहिए रैपर नहीं सॉसर और कपहिए पी के फिका दूंगा धोने को सर पे ये फटका पड़ेगा जब लुक किए जानेंगे अपने से मिलने को कितने लोग इंतजार पे मेरे बारे बुरा बोला चोको बार ले इतना ज्यादा फेवर होना ये फ्लो नहीं बैठा मैं सच बताऊंगा फ्लो नहीं बैठा मीटर पे नहीं बैठा बिल्कुल नहीं बैठा बिल्कुल नहीं सच अपने से मिलने को कितने लोग इंतजार पे मेरे वॉइस है बिल्कुल थोड़ा ऑफबीट टाइप भी जा रहा है बिल्कुल देखना ये थोड़ा सा तो गाना खुद भी सुन लिया करो यार बारे बुरा बोला सबको बार ले इतना ज्यादा फेमस होना गुप्ता बार में सबको भाड़ में फेंको इनको तो देखो अपने लोगों से आपस में सड़ गई है इंसानियत मर गई है महिला है रास्ते पे चलने को काय को तो डर गई है खाने को खाना नहीं आजकल भी वही सीन हो रहा है तो ये उसमें भी बोले कि महिलाएं अकेले अब सड़क में चलने को भी डर रही हैं और ये फैक्ट है भाई इंसानियत मर गई है महिला वही इंसानियत मर गई है ना वही हो रहा है अभी जो चल रहा है रास्ते पे चलने को काय को तो डर गई है खाने को खाना नहीं आबादी बढ़ गई है कोई फील्म है शूट करता है लगा दे बा लगा दे बा इन लोग की लगा दे बा अंदर की बुझा दे आग जिसका भला करे उसको नहीं आग दुनिया बर्बाद लगा दे बा इन लोग की लगा दे बा अंदर की बुझा दे आग जिसका भला करे उसको नहीं आग दुनिया बर्बाद गुस्सा आ रहा है इतना गुस्सा पता नहीं किसके लिए बोला कि लगा दे बा अंदर की बुझा दे आग जिन लोगों का करा भला उनको आज याद नहीं है तो ये किसी अपने पर्सनल लाइफ में बोल रहा होगा या फिर किसी और ग्रुप की शॉट लिया होगा किसका भला करे उसको नहीं याद दुनिया बर्बाद गुस्सा आ रहा है इतना गुस्सा है खानदानी पलटी जो मारे बे उसको मैं जानता नहीं गूगल पे मार सर्च मिलेगी जानकारी जानकारी है तो नहीं जीना वो खानदानी फ्लेक्स करा रुको पलटी जो मारे बे उसको मैं जान दुनिया बर्बाद गुस्सा आ रहा है इतना गुस्सा है खानदानी पलटी जो मारे बे उसको मैं जानता नहीं गूगल पे मार सर्च बोला है कि गुस्सा आ रहा है गुस्सा खानदानी है और जो पलटी मारता है जो फ्लिप करता है उसको मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मतलब वो उससे नाता तोड़ देता हूँ या जानता नहीं हूँ मतलब वही समझ मिलेगी जानकारी जानकारी है तो नहीं जीना उदारी में बोला है विकिपीडिया कर ले जानकारी मिलेगी मेरी फ्लेक्स थोड़ा सा रीला सापू में खुद का मददारी में करता गद्दारी में कभी नहीं प्लस साबू में खुद का मददारी भी नहीं किया तो कभी नहीं शुरू तो कर कामयाबी मिलेगा धीरे धीरे बेटा सभी नहीं बोले हाँ ये तो है शुरू तो कर जैसे मेरी भी लाइन थी कि शुरू तो करो वरना रह जाएगा रात मतलब पूरी उसकी लाइन थी अभी समझ नहीं आ रहा कि शुरू तो करो एटलीस्ट तभी तो मैंने ये चैनल खोला है कि एटलीस्ट शुरू तो करो फिर बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए तो वो तो बोला है शुरू तो कर भाई वो भी बोल रहा है
किया तू कभी नहीं, शुरू तो कर, कामयाबी मिलेगा धीरे, वही कामयाबी धीरे धीरे मिलेगा ना धीरे बेटा, तभी के तभी नहीं, सभी नहीं बोलेंगे तेरे बातों पे, हाँ तभी नहीं खोना तू खुद पे भरोसा, ऐसा कोई कामयाब इंसान ही नहीं है जिसको कभी किसी ने नहीं कोसा। बोलना है कि ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं है कभी जितना भी है जिसको किसी ने कभी कुछ कोसा नहीं, किसी ने कुछ वो ऐसा बोला नहीं कि मत करो वगैरह वगैरह, लेकिन तुम करते रहो, काम करते रहो, वही बोल रहा है, मैं भी वही बोलूँगा भाई, काम करते रहो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर करो यार, साइड बाय साइड करो, पढ़ाई भी करो, सारी चीज़ें करो ना। और बोला कि भरोसा मत खोना खुद पे, जिस दिन भरोसा खो दिया उसके बाद तो क्या ही भाई, तुम ही अपने सगे हो। कामयाब इंसान ही नहीं है जिसको कभी किसी ने नहीं कोसा, तेरा भाई दोसा का शौकीन है, हाँ। आसपास खास में बोला तेरा भाई दोसा का शौकीन है, दो तीन है नंबर और भी है पब्लिक दिल में जो बसते हैं बाकी के लोगों को, क्यों गिने, क्यों क्यों, बहुत आए बहुत गए बहुत दिन है, कोई करता करता कोई कोकीन है, लड़का बहुत बेला बहुत शौकीन है, शौकीन है, बच्चों से कर रहा है पाप, बच्चे मस्ती करने आ रहे मेरे पास रोगी नहीं। बोल रहा है कि मैं बहुत टाइम से पंप कर रहा हूँ, वैसे कर तो बहुत टाइम से रहा है, और बोल रहा है कि ये बच्चे जो आ रहे हैं डिसमिस कर रहे हैं इसको, जो पता है मैं नाम नहीं लूँगा इसका, तो ये डिसमिस कर रहे हैं तो उनको बोलता है इनको रोक लो, अभी मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, अपना अपना ओपिनियन बाबा, मस्ती नहीं ये कोई कश्ती नहीं कि जो भी आवे चढ़ जावे बाबा, बंटाई की पब्लिक और बंटाई से मस्ती नहीं, हाँ ये बोलते रहता है बंटाई की पब्लिक और बंटाई से मस्ती नहीं, और बीट तो क्या सिक बनाई यार, फ्लैम बॉय तुम क्या सिक, और हैप्पी भाई के विजुअल्स मजा आ गया भाई, मजा आ गया सिक, अपुन सच्चाई बोलते और सच्चाई तो किसी को पस्ती नहीं, हंसी तो आती है इसकी, हंसी आती है लास्ट में जब भी ऐसा कुछ लाइन बोलता है। गाना वैसे अच्छा था, एमिवे इम्प्रूविंग हिज लिरिकैलिटी और टेक्निकलिटीज, लेकिन बस एक जगह ऑफ था कि वो जो फ्लो आया था वो बीच में जो जो ऑफ बीट टाइप किया था, मीटर पे भी बिल्कुल नहीं बैठा था, वो बहुत बेकार लग रहा था, अगर वो नहीं होता तो गाना बहुत अच्छा था, बहुत भी नहीं बोलूँगा मतलब अच्छा था, गाना काफ़ी अच्छा था और इम्प्रूविंग, और ऐसे गाने चाहिए हमें एमिवे से, ऐसे और गाने निकालो भाई, और एमिवे से एक्सपेरिमेंट तो करते रहता है। तो ये था रिएक्शन, बताना आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर देना, और एनीवे के और कौन से गानों पे रिएक्शन चाहिए, मैं ईपी पे भी आऊँगा इसकी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसका म्यूज़िक नहीं सुना है, तो ईपी पे भी आऊँगा मैं, और ऐसे लेकिन नोटिफिकेशन आते रहते थे मैं सुनता नहीं था, और अब मैं सुनूंगा उसको धीरे धीरे, और इम्प्रूव कर रहा है ये, तो ये अच्छी बात है, और तो तब तक के लिए बाय, पीस आउट, और किसी आर्टिस्ट पे रिएक्शन चाहिए तो कमेंट कर दो, तो बाय।